हाय, मेरा नाम वंदना सरोज है और आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में मैं बताऊंगी, अगर आपके बैंक से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसको बैंक के अंदर ही कैसे सॉल्व करा सकते हैं। जब भी ऐसा कोई फ्रॉड केस आपके साथ होता है तो एक ही रिक्वेस्ट है, सबसे पहले बैंक के या क्रेडिट कार्ड कंपनी के कस्टमर केयर पे कॉल करें। वो कस्टमर केयर नंबर आपके कार्ड के पीछे भी लिखा होता है, आपके बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट में भी लिखा होता है, आपकी चेकबुक पे भी लिखा होता है, बैंक या क्रेडिट कार्ड कंपनी की वेबसाइट पे भी लिखा होता है। और जो मेरी वेबसाइट है www.priceplatter.com, उस पे भी मैंने स्टार्ट किया है ये सारी चीजें अपलोड करना, ताकि आप अगर वहां से विजिट करके डायरेक्ट लिंक्स देख सको अपनी प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कराएं, जो भी बैंक या क्रेडिट कार्ड से जुड़ी है। तो वो अभी इनिशियल स्टेज में है और बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा कि किसी भी क्रेडिट कार्ड कंपनी या किसी भी बैंक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आप वहां विजिट करके मेरी वेबसाइट पे, वहां से भी डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करके कंप्लेन लॉज कर सकते हो। बैंक या क्रेडिट कार्ड कंपनी के कस्टमर केयर नंबर पे कॉल करें, अपना कंप्लेन नंबर जरूर लें और जो नेक्स्ट स्टेप है मेरे चैनल पे विजिट करें और जितनी भी फ्रॉड रिलेटेड वीडियोस मैंने बनाई है उनको पूरा देखें और धैर्य के साथ देखें। एंड आई एम श्योर आप जो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट डालना चाहते हैं मेरी वीडियोस देखने के बाद, पूरी वीडियोस देखने के बाद आपके कोई डाउट नहीं बचेंगे। फिर भी अगर कोई डाउट आता है आप कमेंट बॉक्स में डालें और एज पर बेस्ट ऑफ माई नॉलेज मैं आपकी हेल्प करूंगी। अब बात करती हूँ आज की वीडियो के बारे में। जब भी आपके साथ कोई बैंक का इश्यू होता है तो आप सबसे पहले ब्रांच में विजिट करके या ऑनलाइन वेबसाइट पे कंप्लेन फाइल करते हैं, वहां से कंप्लेन नंबर लेते हैं या सर्विस रिक्वेस्ट नंबर लेते हैं। और उसके बाद जो सेकंड स्टेप हमें समझ में आता है, अगर बैंक हमारी कंप्लेन को रिजेक्ट कर देता है तो सेकंड स्टेप हमें लगता है कि हम बैंकिंग ओम्बर्समैन के पास जा सकते हैं, और थर्ड स्टेप जो आरबीआई की अपरेट अथॉरिटी है वहां पे जा सकते हैं। बैंकिंग ओम्बर्समैन क्या होता है, बैंकिंग ओम्बर्समैन को ऑनलाइन कैसे कंप्लेन फाइल करके उसका स्टेटस कैसे ले सकते हैं, चेक कर सकते हैं, उस पर ऑलरेडी दो वीडियोस बना चुकी हूँ, उनको पूरा और ध्यान से देखें बैंकिंग ओम्बर्समैन की पूरी प्रोसेस समझने के लिए। और जो लास्ट है आरबीआई के जो डिप्टी गवर्नर है, जिनको कि अपरेट अथॉरिटी बोलते हैं, जो कि लास्ट रिसोर्ट है अगर मैं बैंकिंग सॉल्यूशंस की बात करूं, उसके बाद सिर्फ कंज्यूमर कोर्ट या जो हमारे रिस्पेक्टेड कोर्ट्स हैं वही रह जाते हैं। तो आरबीआई के जो डिप्टी गवर्नर हैं, जिनको अपरेट अथॉरिटी बोला जाता है, उसकी पूरी प्रोसेस, उनको ऑनलाइन आप कैसे कंप्लेन फाइल कर सकते हैं, क्या क्या बातों का ध्यान रखें, उसके लिए भी ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, वो आप देख सकते हैं। अब बैंक में कोई इश्यू होता है, बैंक की ब्रांच में या वेबसाइट के थ्रू आप कंप्लेन करते हैं, अपना सर्विस रिक्वेस्ट नंबर या कंप्लेन नंबर लेते हैं, तो उसके बाद अगर आप बैंक से संतुष्ट नहीं है, बैंक आपकी कंप्लेन को रिजेक्ट कर देता है या आपके पैसे आपको वापस नहीं देता है, तो उस केस में हमें समझ में आता है कि हमें बैंकिंग ओम्बर्स के पास जाना है। लेकिन इन दोनों के बीच में दो स्टेज और हैं जो कि आपको इनिशिएट करनी चाहिए या उस स्टेज तक अपनी कंप्लेन को लेके जाना चाहिए। और ये जो दो स्टेज हैं ये बैंक के अंदर ही होती है। तो जब भी आपकी कोई बैंक की प्रॉब्लम होती है, सबसे पहले आप जाएंगे बैंक के ब्रांच में, वहां से आप अपनी कंप्लेन फाइल कर सकते हो, या बैंक के कस्टमर केयर पे आप कॉल करके अपनी कंप्लेन फाइल कर सकते हो, आप ईमेल भी कर सकते हो, या बैंक की वेबसाइट्स पे भी लिंक दिए होते हैं, इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग पे भी लिंक दिए होते हैं, जहां से आप अपना डिस्प्यूट रेज कर सकते हो, अपनी कंप्लेन को लॉज कर सकते हो। तो ये सारे तरीके हैं फर्स्ट लेवल के, फर्स्ट लेवल पे जहां पे आप अपनी कंप्लेन को लॉज करते हो या फाइल करते हो। अब किसी भी तरीके से आपकी कोई भी कंप्लेन है उसको आप लॉज करते हो, सबसे इम्पोर्टेंट है आप अपनी कंप्लेन नंबर या सर्विस रिक्वेस्ट नंबर जरूर लें। और जो ये कंप्लेन नंबर या सर्विस रिक्वेस्ट नंबर होता है, ये थ्रू आउट जब तक कि आपकी प्रॉब्लम रिजोल्व नहीं होती, जब तक कि लास्ट रिजोर्ट जो है आपकी प्रॉब्लम को सोल्व कराने का, वहां तक आपकी कंप्लेन नहीं जाती, तब तक आपको एक ही कंप्लेन नंबर रखना होता है या एक ही सर्विस रिक्वेस्ट नंबर को आगे बढ़ाना होता है। जब फर्स्ट लेवल का रिस्पॉन्स आ जाता है, जैसे कि आपकी कंप्लेन रिजेक्ट हो गई है या जो आपने कंप्लेन फाइल की है वो बैंक एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ऐसा कोई भी रीजन, तो उस स्टेज पे, फर्स्ट लेवल पे या फर्स्ट स्टेज पे डिसअपॉइंट बिल्कुल भी ना हो, निराश बिल्कुल भी ना हो। उसके बाद आपको जाना है सेकंड स्टेज में। तो ये जो स्टेजेस या लेवल मैं बता रही हूँ, ये हर तरह की प्रॉब्लम्स को लेके है, चाहे वो किसी भी प्रोडक्ट से जुड़ी है, बैंक से रिलेटेड। तो जो सेकंड स्टेज है या सेकंड लेवल मैं बोलूंगी, उसको बोलते हैं नोडल ऑफिसर। तो जिस भी बैंक से जुड़ी हुई आपकी प्रॉब्लम है, आप सिंपली गूगल में डालेंगे उस बैंक का नाम और नोडल ऑफिसर,
तो वहां पे आपको उस बैंक के नोडल ऑफिसर्स की पूरी लिस्ट आ जाएगी। तो आपकी जो लोकेलिटी है या जो एड्रेस है आपका बैंक के रिकॉर्ड्स में, उसके हिसाब से आप देखें कि आपका नोडल ऑफिसर कौन होगा। इस वीडियो में भी मैं मेजर जो बैंक्स है इंडिया में उनके नोडल ऑफिसर्स के नाम एड्रेस आपको दिखाऊंगी। साथ में जो थर्ड लेवल है उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर। ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस पाने के लिए वीडियो के नीचे ही सब्सक्राइब लिखा है, आप इस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ये बेल आइकन घंटी का निशान आएगा, उस पे क्लिक करके आपने ऑल सेलेक्ट करना है। वीडियो पसंद आई तो यहाँ से वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ यहाँ से शेयर करें। अगर आपको लगता है कि सेकेंड लेवल पे भी आपकी जो प्रॉब्लम है वो रिजेक्ट कर दी गई है, तो आपको थर्ड लेवल पे जाना है। अगर आप NRI हैं, EIO हैं या OCI हैं, उस केस में जहाँ पर भी आप काम करते हैं, जिस भी कंट्री में आप रहते हैं, वहाँ से आप NRI के जो कस्टमर केयर ईमेल आईडी है उसको ईमेल करें। उसी ईमेल को आपने जब फर्स्ट लेवल में किया, उसके बाद आप नोडल ऑफिसर को उसी ईमेल को फॉरवर्ड करें। नई नई ईमेल टाइप ना करें। थर्ड जो है, नोडल ऑफिसर पे भी अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो उसी ईमेल को आप फॉरवर्ड करेंगे अपनी कमेंट या फिर आपका जो भी प्रॉब्लम है उस इश्यू को और मेंशन करके प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर को। प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर है उसको इंटरनल ओम्बर्समैन भी कहा जाता है, क्योंकि उसके बाद जो स्टेप आता है वो बैंकिंग ओम्बर्समैन का आता है। तो वो अपने जो सॉफ्टवेयर है या बैंक का सिस्टम है उसके थ्रू ही नोडल ऑफिसर को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और अगर नोडल ऑफिसर के लेवल पे भी वो रिजेक्ट हो जाती है, तो प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर के लेवल तक भी वही बैंक का स्टाफ आगे फॉरवर्ड कर सकता है। और अदरवाइज जो बैंक के नोडल ऑफिसर या प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर के ईमेल आईडी है या एड्रेसेस है, उस पर आप अपने आप से भी इसको प्रोसेस कर सकते हो अगर फर्स्ट लेवल पे ये रिजेक्ट हो जाती है। जब आप अपने बैंक की ब्रांच में जाते हैं, ये सभी ब्रांचेस में होता है, एक नोटिस बोर्ड वहां पे होता है, आप देखेंगे जैसे ही आप एंटर करते हैं उस पे बैंक के नोडल ऑफिसर और बैंक के प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर, जिसको कि इंटरनल ओम्बर्समैन बोलते हैं, उनके नंबर्स, उनका एड्रेस, उनकी ईमेल आईडी सब कुछ वहां पे प्रिंटेड होता है। अगर ये ऑफिसर्स चेंज होते हैं तो ये टाइमली अपडेट करना होता है एज पर RBI गाइडलाइंस। अगर फिर भी आपको लगता है कि वो नोटिस बोर्ड आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप बैंक के ब्रांच मैनेजर से भी नोडल ऑफिसर और प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर की ईमेल आईडी एड्रेसेस ले सकते हैं। सबसे पहले SBI के नोडल ऑफिसर्स के एड्रेस, मोबाइल नंबर और फोन नंबर, ईमेल आईडी सब आप देख सकते हैं। और सबसे पहले आपको ईमेल करना चाहिए, अगर एड्रेस पास है तो आप रिटर्न कंप्लेन भी जाके दे सकते हैं। प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर का नंबर नोडल ऑफिसर को भेजने के बाद भी अगर संतुष्ट नहीं है तो प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर को यहाँ पे ईमेल कर सकते हैं, यहाँ पे रिटर्न कंप्लेन दे सकते हैं। अब बात करती हूँ HDFC बैंक की। ये देखिए URL है, वेब एड्रेस, अगर आप ये डालेंगे गूगल में तो ये पेज आ जाएगा आपके सामने। ये सारे नोडल ऑफिसर्स के नाम और लोकेशन, जो आपका एड्रेस है उसके हिसाब से आप लोकेशन चूज करें, और यहाँ पे नाम और एड्रेसेस दिए हैं। अगर आप इनको डायरेक्टली मेल करना चाहते हैं तो ये URL वेब पेज खोल के आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो एक नया पेज आएगा, जैसे कि ये है, तो यहाँ से डायरेक्टली आप इनको मेल भी सबमिट कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर कंप्लेन रिजोल्व नहीं होती नोडल ऑफिसर के लेवल पे तो प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर, ये वेब एड्रेस है, यहाँ पे भी HDFC बैंक के नोडल, वही नोडल ऑफिसर्स हैं, बट उनका एड्रेसेस भी पूरा दिया है अगर आप रिटर्न कंप्लेन सबमिट करना चाहते हैं। साथ में ईमेल आईडी भी दी है अगर आप ऑनलाइन कंप्लेन सबमिट नहीं करना चाहते। ये काफी छोटा है देखने में और मैं इसको डाउनलोड भी करके नहीं दिखा सकती, यहाँ पे प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर का। अब एक्सिस बैंक के नोडल ऑफिसर्स का नंबर आप यहाँ पे देख सकते हो, ये URL है, ये आप डालेंगे गूगल में, यही पेज आएगा आपके सामने। यहाँ पे लोकेशन के हिसाब से आप चूज करें, ईमेल आईडी भी दी है और उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है, बट आइडियली पहले आप ईमेल ही करें या एड्रेस पे जाके रिटर्न कंप्लेन भी दे सकते हैं। और ब्रांच भी इंटरनली ब्रांच के एम्प्लॉयज ही नोडल ऑफिसर और प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर तक आपकी कंप्लेन ब्रांच में बैठ के ही सबमिट कर सकते हैं। ये प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर का एड्रेस और ईमेल आईडी है। अगर आप नोडल ऑफिसर का एरिया वाइज एड्रेस नहीं देखना चाहते या ईमेल आईडी, तो नोडल डॉट ऑफिसर एट एक्सिस बैंक डॉट कॉम, प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर है, उनकी ईमेल आईडी भी एक ही है। ये वेब एड्रेस है बैंक ऑफ बड़ौदा पे, अगर आप नोडल ऑफिसर देखना चाहते हैं तो ये लोकेशन के हिसाब से ईमेल आईडीज, एड्रेसेस बैंक ऑफ बड़ौदा के नोडल ऑफिसर्स के यहाँ पे दिखेंगे।
आई नो ये थोड़ा फास्ट जा रहा है, लेकिन वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। आप वीडियो को पॉज करके अपने एरिया के हिसाब से नोडल ऑफिसर का ईमेल आईडी, एड्रेस, फोन नंबर यहाँ से देख सकते हैं। ये है प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर का ईमेल आईडी और एड्रेस। यहाँ से आप प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर को क्लिक करके भी कंप्लेन को सबमिट कर सकते हैं, ट्रैक भी कर सकते हैं। कैनरा बैंक के नोडल ऑफिसर्स के एड्रेसेस, ईमेल आईडी, फोन नंबर, ये कैनरा बैंक के प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर का एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल आईडी। ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस पाने के लिए वीडियो के नीचे ही सब्सक्राइब लिखा है, आप इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये बेल आइकन घंटी का निशान आएगा, उस पे क्लिक करके आपने ऑल सेलेक्ट करना है। ये पंजाब नेशनल बैंक की वेबसाइट है, ये वेब एड्रेस आप यहाँ से देख सकते हैं। प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर की पर्टिकुलर डिटेल यहाँ पे नहीं दी है, अगर आप चाहते तो ब्रांच में कॉन्टेक्ट करके ले सकते हैं। तो ये वेबसाइट पे दिया है ईमेल आईडी और जो नंबर्स हैं। अगर आप हेडक्वार्टर दिल्ली अप्रोच करना चाहते हैं, मीन सेकेंड लेवल कंप्लेन रेज करने का, देखिए यहाँ स्टेटस चेक करने के सब लिंक दिए हैं। अगर यहाँ पे कंप्लेन रिजोल्व नहीं होती है तो प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर का ईमेल आईडी, फोन नंबर सब कुछ यहाँ पे दिया है। अभी कोटक महिंद्रा बैंक की वेबसाइट पे मैं हूँ और यहाँ पे आप देखिए लेवल्स दिखाए हैं कंप्लेन को रेज करने के। जैसे मैंने बताया था कि जनरली तीन ही लेवल होते हैं, लेकिन यहाँ चार लेवल तक दिखाया है। तो अगर आप जिस भी लेवल पे क्लिक करेंगे वहां से आप अपनी ईमेल भेज सकते हैं, ये फॉर्म आ जाएगा। जैसे लेवल टू पे भेजना है देन सबमिट। ध्यान रखिए जब भी आप ये लेवल या कंप्लेन को रेज करते हैं तो आप हायरार्की के हिसाब से ही करें, तो फर्स्ट लेवल, सेकेंड, थर्ड एंड देन फोर्थ। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली फोर्थ पे जाके आप बहुत ज्यादा गुस्से में है या बहुत ज्यादा परेशान है, सीधा फोर्थ लेवल पे जाके आप कंप्लेन रेज करते हैं। देर दिस हायरार्की हैज टू बी फॉलोड। ये लेवल थ्री है एंड देन ये लेवल फोर है। यहाँ पे एड्रेसेस वगैरह भी दिए हैं लेवल्स के और नाम भी दिया है, फोन नंबर भी दिया है। ये है नोडल ऑफिसर का डिटेल, तो आप ये ले सकते हैं, ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप रिटर्न कंप्लेन देना चाहते हैं तो एड्रेस पे जा सकते हैं। और ये है लेवल फोर, यहाँ से ईमेल कर सकते हैं। ये है प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर। ये लास्ट जो बैंक मैं कवर कर रही हूँ ये आईसीआईसीआई बैंक है। आईसीआईसीआई बैंक के नोडल ऑफिसर की जो ईमेल आईडी है वो ये है और एड्रेस यहाँ पे दिया है। आप कंप्लेन सबमिट करना चाहते हैं तो ये यूआरएल है आईसीआईसीआई बैंक की वेबसाइट का। यहाँ पे आप जाएंगे, फर्स्ट टाइम कंप्लेन का लेवल यहाँ पे है, ईमेल कर सकते हैं। आपके पास जब सर्विस रिक्वेस्ट नंबर आ जाएगा फर्स्ट लेवल पे कंप्लेन करने के बाद, वही सर्विस रिक्वेस्ट नंबर डाल के आपने या कंप्लेन नंबर डाल के लेवल टू पे कंप्लेन करनी है। तो यहाँ से डाउनलोड फॉर्म कर सकते हैं, यहाँ से सबमिट कर सकते हैं। और लेवल थ्री, ये जो कंप्लेन्स हैं इनके लिए आपके पास ईमेल भी आएगी और साथ में अगर आप स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो कस्टमर केयर पे कॉल करके भी कर सकते हैं और ब्रांच विजिट करके भी उसी कंप्लेन नंबर या सर्विस रिक्वेस्ट नंबर को देके कंप्लेन का स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो ये जो कंप्लेन होगी ये एक ही होगी, प्लीज आप बार बार कंप्लेन रजिस्टर ना करें, एक ही कंप्लेन को प्रॉपरली फॉलो अप करें। और अगर आप और इजी रखना चाहते हैं तो आप ब्रांच में जाके भी अपनी कंप्लेन को नोडल ऑफिसर और प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर तक फॉरवर्ड कराएं और उसके एक्नॉलेजमेंट भी जरूर लें। नोडल ऑफिसर्स के ईमेल आईडी मैं और दिखा देती हूँ। ये ईमेल आईडीज हैं हेड लायबिलिटी, इट मींस बैंक अकाउंट से कोई रिलेटेड कोई इश्यू है, क्रेडिट कार्ड, एनआरआईज, कोई सर्विस इश्यू फेस कर रहे हैं देन दे कैन राइट हियर, वेल्थ बैंकिंग, लोन से रिलेटेड है, एग्री बैंकिंग, देन डीमैट सर्विसेज से रिलेटेड है। इन सब के लिए जो प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर है वो एक ही रहेंगे सारे प्रोडक्ट्स के लिए। ये डिटेल चेंज भी हो सकती है, तो जब भी आप कंप्लेन फाइल करने की सोचे या तो ये वेब एड्रेस जो मैंने दिखाया है बैंक्स का ये डाले, यहाँ पे प्रॉपर डिटेल आपको मिलेगी अपडेटेड वन, या फिर ब्रांच से एड्रेस कंफर्म करें अगर आप ऑफलाइन कंप्लेन फाइल करने की सोच रहे हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि अगर कोई भी अपने बैंक से परेशान है तो इस वीडियो को देखने के बाद अपनी प्रॉब्लम को बैंक के अंदर ही सॉल्व करा पाए और अपना टाइम बचा पाए। वीडियो पसंद आई तो यहाँ से वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ यहाँ से शेयर करें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।